हेलो एवरीवन, मैं हूं मुबीन पटेल, आपका फिटनेस ट्रेनर। अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस टिप्स। आज मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक, कुछ लोग वर्कआउट पर फोकस करते हैं, जिसमें वर्कआउट पर 1 आवर करते हैं, फिर 1.5 आवर करते हैं, 2 आवर्स करते हैं, 3 आवर्स, 4 आवर्स करते हैं। बट कुछ मेन पॉइंट्स पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस के लिए, जो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज से। तो कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल स्क्वाट्स। ठीक है, स्क्वाट्स एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें 2 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो एक्सरसाइज में, जो वेरिएशन में 2 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसमें एक ही जॉइंट होता है, जैसे बाइसेप्स कर्ल, इसमें एक ही जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी कम है। स्क्वाट्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें 2 से ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, ज़्यादा फास्टेस्ट फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें कोर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जिसमें लेग्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, अपर बॉडी का इन्वॉल्वमेंट भी है। बॉडी फॉरवर्ड होता है उससे, तो कोर का इन्वॉल्वमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज भी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो फास्टेस्ट फैट लॉस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड वेरिएशन है ओवरहेड प्रेस है, बेंच प्रेस है। ये भी और 2-3 वेरिएशंस ऐसे हैं जो कंपाउंड एक्सरसाइज में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होता है दूसरे मसल्स का, ग्रुप ऑफ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट हमें वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट, 6 डेज ट्रेनिंग। हमको सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के लिए हम लोगों को पहले सबसे टेस्ट करना है कि हमारे बॉडी का वीक और स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उसके बाद एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट होने के बाद हमको 6 डेज ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपरली 6 डेज ट्रेनिंग करनी है। एक दिन संडे का, एक दिन रेस्ट लेना है। रिमेनिंग 6 डेज आपको प्रॉपर 6 डेज की ट्रेनिंग करनी है, एक प्रॉपर वर्कआउट पैटर्न सेट करने के बाद ही। ऐसे नहीं कि आज मंडे कुछ हुआ, ट्यूसडे जो मन किया वो कर लिए, वेनेसडे जो मन किया वो कर लिए। एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल बनाना है, वो शेड्यूल को फोकस करना है। जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हमको 6 डेज ट्रेनिंग करनी है। जहां हमारा टारगेट अचीव हो गया 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ बाद, 8 मंथ बाद, या 1 ईयर बाद, जैसे भी जो भी अपना टारगेट अचीव होगा, उसके बाद हम चाहो तो 4 डेज अभी ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी का फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। बट जब तक हमारा टारगेट फिक्स है तब तक हमको 6 डेज अभी ट्रेनिंग करनी है। मतलब जो हम खा रहे हैं उसको बर्न करना है, इसलिए डेली बेसिस पर ट्रेनिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है मिनिमम रेस्ट। मिनिमम रेस्ट का मीनिंग ये होता है कि हमको वर्कआउट के बीच में, ड्यूरिंग सेट्स, एक सेट कंप्लीट होने के बाद रेस्ट कितना लेना है। कुछ लोगों का मानना है 30 सेकेंड्स रेस्ट लेना है, कुछ लोग कहते हैं 45 सेकेंड्स, कुछ लोग 60 सेकेंड्स। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड्स का ही रेस्ट लेना है। हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए। हार्ट बीट नॉर्मल होने का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। ठीक है, जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो बॉडी हम वार्म करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो अपनी बॉडी वार्म होती है, अपना ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, अपनी हार्ट बीट फास्ट होती है, नॉर्मल से थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, नॉर्मल से फास्ट होने के बाद जब हम एक सेट को कंप्लीट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो बस वो वापस से नॉर्मल पे आ जाए। ठीक है, बस रिलैक्स ना हो, जो कंडीशन में हम जिम में एंट्री किए थे वो अपनी थी रिलैक्स हार्ट बीट, जो अराउंड 72 के आसपास होती है। हमने जिसको शूट किया था, हमने वार्म अप करके थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाया था, वो हार्ट बीट पर आके वो मेंटेन हो जाए। अब वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, आपने कितना हैवी वर्कआउट किया है उस पर डिपेंड करता है, या फिर कितना मैक्सिमम रेपिटेशन किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, रिलैक्स नहीं, रिलैक्स होता है वर्कआउट के बाद हम करते हैं, नॉर्मल मतलब जहाँ वार्म अप करने के बाद जो मेरी हार्ट बीट थी वो हार्ट बीट पर मैं आ गया, मेरा रेस्ट कंप्लीट हो गया। अब वो 30 सेकेंड्स भी हो सकता है, 45 सेकेंड्स भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कैसे हुआ, वो वर्कआउट पर, टाइप ऑफ वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर इन्वॉल्वमेंट। कोर मसल होता है ये अपना एब्स का मसल, जो मैंने एक पिक्चर में भी बताया है। कोर इन्वॉल्वमेंट कैसे करना होता है,
अपने कोर को जब हम सेट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेट अपना बाइसेप्स का हो, ट्राइसेप्स का हो, लेग्स का हो, बैक का हो, कोई भी मसल्स का वर्कआउट आप स्टार्ट करते हो, अब जब आपने सेट स्टार्ट किया, ट्राई करना है कि कोर आपका इंगेज रखना है। इंगेज रखना है मतलब कोर को वैक्यूम करना है, अंदर की तरफ ऐसे वैक्यूम रख के करना है। अपना सेट्स कंप्लीट करने तक आपको वैक्यूम छोड़ना नहीं है, ठीक है। वैक्यूम रखना है मतलब मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रखना है, इंगेज रखना है एब्स मसल को, लेकिन ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। एब्स वैक्यूम करने के टाइम हमारी ब्रीदिंग होल्ड नहीं होनी चाहिए। वैक्यूम रख के ही मसल्स का इन्वॉल्वमेंट करते रहना है, वर्कआउट करते रहना है, और साइड बाय साइड हमको ब्रीदिंग भी नॉर्मल करती रहनी है। कोर इन्वॉल्वमेंट करने से ऑटोमेटिकली अपना कोर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ के मसल्स भी टाइटर होंगे। फैट लॉस टिप्स में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। डाइट में मैंने कुछ चार चीज़ों पर फोकस किया है, जिसमें सबसे पहला है कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट का ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी को जितना कैलोरीज का, जितना फूड का रिक्वायरमेंट है, हमको उसका 10-20% कम खाना है, ठीक है। खाना बंद नहीं करना है, ठीक है, खाना ओवर भी नहीं खाना है, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरी बॉडी को 1 kg का फूड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मुझे जब मैं कैलोरी डेफिशिएट में जाऊंगा तो मुझे उसको हाफ नहीं करना है, 50% नहीं करना है, उसको 80-90% करना है। 10-20% अपने फूड की क्वांटिटी कम करनी है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम कैलोरी डेफिशिएट। एग्जांपल, मुझे अगर 1 kg खाना रिक्वायरमेंट है पर डे का, तो मुझे 800-900 ग्राम खाना है। ये मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। उसको हम लोग डिटेल में एक नेक्स्ट टॉपिक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने शेयर किया है न्यूट्रिशन के टॉपिक में, उसमें आप डिटेल में आप जाकर देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है मील स्प्लिट। मील स्प्लिट कैसे करना है, मील स्प्लिट का एक्चुअल मीनिंग होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मैं ओवरऑल डे में 1 kg खाता हूँ 3 times में। हम लोग 3 basic times में मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एग्जाम्पल, ये 3 times में मैं 1 kg खाता हूँ, तो अब मुझे मील को स्प्लिट करना है, लेकिन क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। वो 1 kg को ही 3 meal में, 3 meal को 6 meal में डिवाइड करना है, ठीक है। वो 1 kg को ही, क्वांटिटी मुझे नहीं बढ़ाना है, बस मुझे मील्स को स्प्लिट करना है। एग्जांपल, मैं ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खाता हूँ, तो मुझे 1 ही रोटी खानी है, रिमेनिंग 1 रोटी मुझे 2-3 घंटे के बाद खानी है। ऐसे मील्स को स्प्लिट करना है, ये फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इससे क्या होगा, अपनी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड मिलेगा, एक्सेस फूड नहीं मिलेगा, तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसका मेन एक साइंटिफिक रीज़न है मील्स को स्प्लिट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्किप मील्स। मील्स को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग फैट लॉस करने के चक्कर में डिनर स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ये बहुत रॉन्ग वे होता है अपनी बॉडी से फैट लॉस करने का। ऐसा करने से बॉडी से फैट लॉस नहीं होगा, अपनी बॉडी से मसल लॉस हो जाएगा। क्योंकि अपनी बॉडी को जब न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, तब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, हमको खाना ही खाना है। हाँ, हम लो कैलरी फूड, अपने पास ऑप्शन है, हम लो कैलरी फूड, एवरेज कैलरी फूड और हाई कैलरी फूड, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को अब कब क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब फैट लॉस पर होते हैं, तो हमें लो कैलरी फूड खाना है, लेकिन मील्स को स्किप नहीं करना है, जिससे फैट लॉस नहीं होगा, उल्टा मसल लॉस हो जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट पॉइंट है लो कैलरी फूड। लो कैलरी फूड बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है जब हम फैट लॉस करते हैं। फैट लॉस करने के टाइम पर हमें फूड को देखना होता है कि उस फूड में कितनी कैलरीज हैं। अगर वो लो कैलरी फूड है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है फैट लॉस करने के टाइम पर। लो कैलरी फूड में हम वेजिटेबल्स, सैलड, ये सब चीज़ें भी इंटेक कर सकते हैं। लिक्विड फूड में भी बहुत फास्ट डाइजेस्ट होता है और लो कैलरीज होती है इसमें। पानी के अलावा बाकी सारी चीज़ों में कैलरीज होती है, ठीक है। तो लिक्विड भी एक बेटर ऑप्शन होता है लो कैलरी फूड में, ठीक है। तो ये सब पैटर्न फॉलो करके हम लोग फास्टेस्ट फैट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्ट, जो बहुत छोटा सा है पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वर्कआउट कर लिया, डाइट कर लिया, अब एक और पॉइंट है जो हमारी रिकवरी के लिए काम आता है, रेस्ट। 8 घंटे हमको सोना है, बस यही काम करना है, 8 घंटे सोना है अपनी रिकवरी के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए। बिकॉज बॉडी की रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमको फैट लॉस करना है, चाहे हमें मसल्स गेन करना है, चाहे हमें बॉडी के वेट को मेंटेन करना है। 8 hours स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्कआउट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, 100% देते हैं, डाइट में भी 100% देते हैं, लेकिन 8 घंटा नहीं सोते, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट का परसेंट जो है वो कम हो जाता है।
तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक फिटनेस का ही एक कंपोनेंट है जो हमें कंप्लीट करना है अपने फैट लॉस गोल को अचीव करने के लिए। आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।